अरे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो मुझे, लाओ इसी में मुंह मार लेती हूँ। इसके सामने आप कुछ खा नहीं सकते, इसे गोद में बिठा के गीला ना हो जाए इसको वो वार्मर। अभी देखते हैं, जलेबी टेस्टी है ना, और इससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है भाभी इमरती। इमरती तो बस खा लोगे ना बेहोश हो जाओगे। हाँ बहुत ही अच्छी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी इमरती। मम्मा मारेंगे मुझे, इतनी सो ऐसी खोलती मार देता है। हाँ वो ही रही है खूब गपा गप गपा गप, सबको देख रही है, अरे दो ना मुझे, अरे कुछ तो। कम नहीं है ये, देखो तुम्हारी हिजा रुक रही है। नींबू पापा को बैठने दो, अभी मेला देखने गए थे ये लोग सारे। हाँ बता तो मैंने, वो लोग मेले में गए हैं। हाँ सब मेला ही देखने गए थे ये लोग भी सब। अच्छा ये कोई बात नहीं होती, रात को 10 बजे आना और 11 बजे निकल जाना, ये क्या बात हुई। सुबह भाई सुबह, आप लोग सब सलाह करके मुझे ये बताएं कि किसकी चलती है घर में। अंकल ही नहीं है यहाँ पर। अंकल नहीं है, अच्छा अंकल के बाद किसकी चलती है फिर बताए। जो रूटेगा उसकी। और कौन रूट रहा है, रूट कौन रहा है। उसमें भाई को देखो कितनी जल्दी उठ के तैयार हुई है। तो 12 बजे। अच्छा पहुँचते पहुँचते हो जाएगा। अरे नहीं माजिद रुक जाओ ना, सुबह निकल जाना, सुबह जल्दी निकल जाना। हाँ ये गलती कर अच्छा आप लोग ना एक साथ आंटी के पास जाना है, चले जाना बाद में, चले जाना बाद में, चले जाना भैया। और ये कहाँ कर ले हो, कहाँ कर ले हो, इसको मैं स्टार्ट करूँ, मैं स्टार्ट करूँ। हाँ हाँ स्टार्ट मैंने करके दिया है। अपने अपने पैसे फ्लॉन्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्या।
छोना देख रही हूँ गुस्से में, पकड़ लो अपनी छोना को। हाँ हाँ हाँ, अरे ये लिबा को आपको छोड़ने आना पड़ेगा, लिबा इतना ज्यादा परेशान करते। क्या कह रही है ना, रात्रि बढ़िया है। ये तो है जो गाड़ी की चाबी है मोटरसाइकिल की। मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे मैं यही हूँ भाई, मैं यही हूँ। एक आध बंदर उठा के ले जाओ, बंदर है वहाँ पर। अच्छा तुम्हारे यहाँ बहुत है। हाँ हमारे यहाँ बंदर पूरी साथ में। चनू क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? हाँ अब निन्नू में आ रही है, अब छोएंगी। एक टाइम के बाद बच्चे भी वो हो जाते ना, अभी सोने के लिए कर रही है। हाँ आ जा आ जा। दो साल बाद पता चला कि इसमें आगे भी फ्लैश है, और मैंने लिया इसलिए था कि इसमें आगे फ्लैश है, और दो साल से ऐसे चला रही थी। जो ना करो किसने? अच्छा अरे निन्नू अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। ये हो क्या रहा है अंकल जी, क्या हो रहा है? बकवास नहीं करते समझे? अरे तो हो गया ना अंकल जी, कुछ नहीं हो गया। एक तो आए इतने कम टाइम में। वालेकुम सलाम, हाँ मिल रहे हम तो। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा आया करो। हाँ चले जाना, चले जाना, चले जाना। हाँ ये वरना मैं जाने नहीं देती, इन लोगों ने बता दी है बात, तभी मैंने कहा चलो कोई नहीं। बड़े दिनों बाद अंकल जी, आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो। अच्छा हाँ नजर उतार दिया मेरी, दो जगह टोक हो गई है। अच्छा सच में किसी आने भी टोका? अरे माँ तरस में करे सबरे मिस्से भी, यानी कि छोटे छोटे अंदर की कसम सबरे बुड्ढे लग रहे। वही मैं कह रहा हूँ चक्कर क्या, आप उसने टोक दी। पहले आए थे ना तो थोड़े से वैसे लग रहे थे, लेकिन आज माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे। क्या हो गया? हाँ जी चलो। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जमजम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाह रही थी, मतलब वॉइस ओवर नहीं करना चाह रही थी इस व्लॉग में, क्योंकि पीछे ही इतनी सारी बातें हो रही थी, और सब कुछ वो नेचुरल जो होता है ना, वो सब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी सब हंसी मजाक की इस तरह से बातें चल रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आना पड़ा। एक्चुअली किसी ने बहुत ही वाहियात कमेंट कर दिया था अनु को लेके, तो फिर मुझे उसका जवाब देने आना पड़ा। तो जिन्होंने भी करा है, तो मैं उन्हें बड़े प्यार से कहना चाहती हूँ कि डियर प्यारी बहन, आपने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ये कहा था कि अनु को शर्म आनी चाहिए, खुद तो जाती जाती है और पूरे ससुराल वालों को लेके भी चली गई है अपनी बहन के घर। तो डियर मैं आपको ये बताती हूँ कि आज के टाइम पे ना, आज के टाइम पे अगर किसी लड़की के ससुराल वाले सारे उसके साथ आ रहे हैं, उसके मायके के किसी बंदे के पास मायके जा रहे हैं या बहन के घर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो लड़की बहुत अच्छी खानदानी लड़की है, और उसने सब रिश्तों को इतने अच्छे से जोड़ रखा है, इतना मान सम्मान पा रखा है, और तो सब आ रहे हैं। वरना लड़कियां आजकल क्या करती हैं, इधर शादी होती है, उधर बस अपने मियां को लिया और चल दी, मायके की तरफ ससुराल का कोई बंदा झांकता भी नहीं है, तो ऐसी लड़कियां करती हैं। तो मुझे अपनी बहन पे बहुत गर्व है कि उसने इतना अच्छा, हमारी मम्मी के ही संस्कार हैं सारे, कि हमारी बहनों के सारे ससुराल वाले माशाल्लाह से सब आते हैं। मेरे भी पूरे परिवार वाले मेरे घर जाते हैं, अनु के घर जब भी हम लोग गए, आप लोगों ने देखा है कि हम लोग भी सब ही जाते हैं, और फिर जब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मेरे ससुराल वालों को कोई ऐतराज़ नहीं, तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में किसी को भी
कोई एतराज़ होना चाहिए। माशाल्लाह मेरे भी परिवार वाले इतने अच्छे हैं कि वो लोगों को देख के खुश होने वाले हैं, मोहब्बत देने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। हमारे मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है कि उनके घर पे सब आए, और मुझे बहुत दिल से खुशी हुई कि सब लोग आए। बल्कि जो अनु की नंद है वो बाजी तो बहुत कम आती है, मतलब लिबा के बर्थडे से वो बेचारी आ जाई थी, तो मुझे सबको देख के मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। और मेरा इतना मन था कि ये लोग सब रुक जाते रात में, तो क्या ही और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन बस वही है कि बता रहे थे ये लोग कि पूरा घर खाली था और लाइट भी नहीं जला कर आए थे, और जहाँ ये लोग रहते उस जगह चोरियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने मजबूरी में जाने दिया है सबको। तो इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता किसी को भी करनी चाहिए, बहुत बहुत छोटी बातें होती हैं, ये कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो बस अपने परिवार वालों के साथ लड़कियां आती हैं जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज हम भी सासनी की गलियों में और इस तरह से मुंह खोल के घूम रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो एक्चुअली रात के बज रहे हैं 12:30, तो मतलब ना बंदा ना बंदे की जात, तो मैं इस तरह से घूम रही हूँ। और आप सोचेंगे मैंने डबल सूट क्यों पहना हुआ है, वो एक्चुअली मैंने ना अपनी नाइट वाली टी शर्ट पहन ली थी, तो फिर मैंने अभी ये लोग आए थे तो ये कमीज़ ऊपर से डाल ली। तो चलो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह।